आपको अगर अपने स्टार फ्रूट के पौधे पे भर भर के फ्रूट लेना है तो आप इस चीज को डाल दीजिए, आपका जो कमरा यानी कि स्टार फ्रूट का पौधा है वो फ्रूट से भर जाएगा। इसको डालने से आपके पौधे की ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, इसके साथ ही आपके पौधे में जो मतलब फल का साइज होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास एक स्टार फ्रूट का पौधा है, आप देखिए इसमें कितनी ज्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आ रही है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अब हमें इसमें कौन सी खाद देनी है, कैसे इसकी केयर करनी है और किस तरीके से आप भी अपने स्टार फ्रूट के पौधे को इतना ज्यादा बड़ा और घना बना सकते हैं। दोस्तों जब मैं इस स्टार फ्रूट के पौधे को नर्सरी से लेकर आया था तो ये बहुत ही छोटा सा था, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसकी केयर की और इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल किए, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं मेरा पौधा कितना ज्यादा हरा भरा और घना हो रहा है। तो अगर आपने भी अपने घर में स्टार फ्रूट का पौधा लगा रखा है तो स्टार फ्रूट के बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि स्टार फ्रूट में फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी भी काफी मात्रा में पाया जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ आपको अपने स्टार फ्रूट के पौधे को घर में गमले में कैसे लगाना है, इसकी केयर कैसे करनी है और इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए इस समय सीजन चल रहा है, मतलब इसमें फ्लावरिंग का टाइम आ चुका है, इसलिए इसमें हमें न्यूट्रिशन भी देना चाहिए। तो इसमें मैं आपको सभी खाद देके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप देखिए जब भी आप स्टार फ्रूट का पौधा अपने गमले में लगाना चाहते हैं, अगर आपको उसमें ज्यादा जल्दी फल चाहिए मतलब फ्रूट चाहिए तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको क्या करना होगा, आप नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लेकर आइए, क्योंकि दोस्तों ग्राफ्टेड पौधा जो होता है इसमें बहुत ही जल्द फ्रूट आपको मिल जाता है। ग्राफ्टेड पौधे की आप पहचान कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप नीचे आके देखिए, ये देखिए ये जो हमारा ग्राफ्टेड पौधा है इसकी पहचान ये होती है, जब भी आप इसे नर्सरी से लेकर आएंगे तो इसकी जो ऊपर की स्टेम्प होती है वो उस पेड़ की होती है जिसपे बहुत ही ज्यादा फ्रूट आता है, और ये जो नीचे की स्टेम्प होती है ये बीज के द्वारा तैयार किया जाता है, और नीचे से इसको कट करने के बाद ऊपर की जो टहनी होती है इसको जोड़ दिया जाता है और ये हमारा ग्राफ्टेड पौधा तैयार हो जाता है। तो ग्राफ्टेड पौधे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है इसमें बहुत ही जल्दी मतलब एक साल के अंदर अंदर फ्रूट आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ आपको स्टार फ्रूट के पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स देने हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो मिट्टी है काफी अच्छी बनी हुई है। जब भी दोस्तों आप स्टार फ्रूट का या फिर कोई भी फ्रूट प्लांट लगाते हैं आपको इसकी मिट्टी इस प्रकार से बनानी है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी में पानी रुकेगा तो आपका पौधा ग्रोथ भी नहीं लेगा और आपके पौधे की जड़ें भी खराब हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों हमने जो ये मिट्टी तैयार की थी, तभी हमने मिट्टी तैयार करते समय इसमें लगभग 30% हमने गोबर की खाद और सब हमने 70% लगभग इसमें मिट्टी ले ली थी। इसके बाद हमने इसको तैयार किया था और इसके अलावा मैंने कोई भी फर्टिलाइजर्स आज तक इसमें नहीं दिया है, पहली बार मैं देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अब हमारा बहुत ज्यादा इसमें फ्रूट आने वाला है तो इसीलिए हमें इसमें फर्टिलाइजर्स देने होंगे। सबसे पहली चीज हमें इसमें क्या डालनी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपके पौधे में फ्रूट आ रहा है या फिर फ्रूट लगने वाला है तब आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये है हमारे पास बर्मी कम्पोस्ट। दोस्तों अगर आपके पास बर्मी कम्पोस्ट ना हो तब आप गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कम्पोस्ट में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, इसके साथ ही दोस्तों इसको डालने से आपके पौधे की ग्रोथ तो बढ़ेगी, इसके साथ ही आपके पौधे में जो मतलब फल का साइज होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है तो ये आप देख सकते हैं। मेरा जो ये गमले का साइज है मतलब ये मैंने 1 20 लीटर की बाल्टी में इसको लगा रखा है, तो इसीलिए मुझे इसमें थोड़ी सी ज्यादा गोबर की खाद देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने बर्मी कम्पोस्ट का इस्तेमाल किया है, आप इसमें गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लगभग मैंने 200 ग्राम बर्मी कम्पोस्ट ले ली है। इसके बाद हम इस तरीके से चारों तरफ इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इस तरीके से हाथ से इसको फैला देंगे साइड साइड में। तो दोस्तों आप सबसे पहले पौधे को अच्छी तरीके से मतलब 2-3 दिन इसमें पानी देना बंद कर दीजिए जब भी आप कोई खाद देने वाले हो, और इसके बाद आप इस तरीके से इसमें चारों साइड में डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको अगर अपने स्टार फ्रूट के पौधे पे भर भर के फ्रूट लेना है तो आप इस चीज को डाल दीजिए, आपका जो कमरा यानी कि स्टार फ्रूट का पौधा है वो फ्रूट से भर जाएगा। तो दोस्तों ये जो आप चीज देख पा रहे होंगे ये थोड़ी सी स्मेल इसमें बहुत ज्यादा आती है, इसको दोस्तों बोलते हैं बोन मील। बोन मील दोस्तों हड्डियों का चूरा होता है और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके स्टार फ्रूट के पौधे को जरूर चाहिए होता है। तो इसको आपको कितना लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको लगभग 20 ग्राम ले रखा है, तो ये काफी है। हम इसको एक बार देंगे तो 3 महीने तक हमें इसमें इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने इसमें 20 ग्राम लगभग इसमें डाल दिया है, और 20 ग्राम इसमें डालने के बाद हम इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल ज्यादा आती है इसीलिए मैं इसमें आद का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने इसको मिक्स कर दिया है, इसके बाद मैं इसमें एक तीसरी चीज और देने वाला हूँ। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास ये देखिए क्या है, दोस्तों ये है हमारे पास नीम खली। तो कभी कभी होता क्या है हमारे पौधे में कोई फंगस वगैरह लग जाता है, इसलिए हम इसमें ज्यादा इसमें नहीं देंगे, हम सिर्फ इसमें 1 से 2 चम्मच ही देंगे। ये देखिए थोड़ी सी मैंने ज्यादा ले ली लेकिन मैंने इसको कम कर दिया है, हम इसको 1 से 2 चम्मच डालेंगे तो हमारे पौधे में ही काफी रहेगी। बस हमें इसमें 3 ही चीजें डालनी है और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे आपका जो पौधा की ग्रोथ रुकी हुई थी वो ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी और हमारा जो स्टार फ्रूट का पौधा है वो फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों बस आपको अपने कमरा यानी कि स्टार फ्रूट के पौधे में ये 3 फर्टिलाइजर से डालने हैं और आपके पौधे में बहुत ही भर भर के फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे हमें स्टार फ्रूट के पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइजर से देने हैं। और
दोस्तों इन फर्टिलाइजर्स को देने के बाद आपको क्या करना है, अपने पौधे को फुल सनलाइट में रख देना है और इसमें आपको भरपूर मात्रा में पानी दे देना है जिससे कि इसकी जड़ों तक अच्छी तरीके से खाद आपकी पहुंच जाए। इसके बाद आप इसको धूप में रख देंगे तो आपका पौधे के जो फ्रूट है वो भी लगने शुरू हो जाएंगे और इसका रिजल्ट का अपडेट भी मैं आपको जब इसके फ्रूट लगने शुरू हो जाएंगे तब दे दूंगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की होम गार्डनिंग और टेरिस गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।